हेलो सचिन जी, आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है, चलो। अभी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी आया है ना, वही बात मैं कर रहा था अभी। चलो कल मैं सब बता दूंगा, जो कटअप कितना पे गया था, कितने बच्चों ने बनाया था ये। चलो ज्यादा टाइम लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैंने जो रखा है ना, बस पैसेज रखा है, ये छोटा सा पैसेज है ये, ठीक है? बस पैसेज है आज के लिए, आज की वर्ड नहीं है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पैसेज आपका रहा, पैसेज ये है, ठीक है? पैसेज के लिए मैंने बता दिया कल तरीका जो था, वही तरीका अपना लेंगे, ठीक है? पांच क्वेश्चन इस पर है, पांचों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद पैसेज स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा सा। एक बार आज नोट नहीं बनाएंगे हम लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन भर के आ जाएंगे हम लोग, बस समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हु हेल्प इन आवर कैरेक्टर बिल्डिंग? हाँ, कौन हेल्प करता है जो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में, हमारे चरित्र के निर्माण में क्या हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, ठीक है? दूसरा है प्रॉपर बैकग्राउंड, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज, हम लोगों को जो प्रॉपर जो हम लोगों को किसका जो प्रारंभिक से जो शिक्षा होती है ना, जो बचपन में जो मिलता है, उसका बैकग्राउंड क्या क्या है, प्रॉपर बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? इसे हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इम्प्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर इज अर्न बाय, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या, ठीक है, क्या इम्प्रेशन है, क्या हम लोगों को जो हम लोगों को जो मान सम्मान दिलाता है, ठीक ठीक है? एक आवाज है बंद कर ठीक लीजिए अपने। ठीक है, और चौथी बार जाओ, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए वेल टू डू मैन स्पेंड हिज सन टू फॉरेन लैंड्स, ठीक है? जो जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को यानी कि अपने सन को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजते हैं, तो विदेश भेजते हैं, ठीक है? क्यों भेजते हैं, ठीक है? आगे है द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक गुड्स मीन्स, पैसेज में ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, पैसेज में बताऊंगा, ठीक है? ये पांच क्वेश्चन था आपका, मैं थोड़ा सा हेलो सर। सर आवाज आ रहा है? बंद कर दिया मैंने उनका आवाज, और दूसरे मैंने कर दिया, रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद आज के बाद कभी वो दोबारा आएंगे नहीं, इसमें मैंने हटा हेलो दिया सर। उनको। हाँ हाँ सर जी, जैसे पैसे जैसे सर, ये हाँ 90% यही तरीका लगेगा सर। क्या क्या बताएं, जैसे पैसे जैसे जो भी पैसे जो सर, 90% यही तरीका लगेगा सर। नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो देखो पैसेज मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, अलग अलग पैसेज में ना अलग अलग, यही तरीका नहीं लगेगा आपका, मैंने बस एक एग्जांपल दिखा दिया आपको, ठीक है? पैसेज जैसे पढ़ोगे ना, पैसेज जैसे मान लो ये मैंने पैसेज का स्टार्टिंग फर्स्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है? पैसेज अकॉर्डिंग जैसे मान लिया स्टोरी बेस्ड है यहाँ पर है, ठीक है? अगर पैसेज का थोड़ा मीनिंग थोड़ा क्लियर रहता है ना, अगर पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है यहाँ पर, जैसे दूरान पर होगा ना, उस पैसेज अकॉर्डिंग, सारे पैसेज में ये काम नहीं करेगा ये, ठीक है? चलो मैंने पांच क्वेश्चन देख लिया मैंने, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, पैसेज पे आ जाते हैं एक बार। कह रहा है क्या, व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन इन आवर प्रेजेंट एज वी थिंक लार्जली इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज, ठीक है? जब भी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, इनका आवाज आ रहा है, एक बार अपनी आवाज, सारी आवाज म्यूट कर लीजिए एक बार सभी। संजीव जी, अभी आपका आवाज आ रहा था, म्यूट कर लीजिए, ठीक है? कह रहा गया, और वेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन इन आवर प्रेजेंट एज, जब अपनी वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो वी थिंक लार्जली इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज, मतलब किसके बारे में सोचते हैं हम लोग, तो स्कूल कॉलेज के बारे में सोचते हैं, कब, जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तब। द मैन हु इज वेल टू डू स्पेंड्स मनी इन सेंडिंग हिज सन टू फॉरेन लैंड्स इन द बिलीव ऑफ, माफ कीजिए मैं पहले, इससे पहले मैं यहाँ करवा देता हूँ इसका हिंदी मीनिंग। मैन, ऐसे लोग
जो कि जो अमीर हैं, जो धनी हैं, अपने बच्चे को, अपने सन को कहाँ भेजते हैं, तो विदेश पढ़ने भेजते हैं, इन द बिलीफ ऑफ, इस विश्वास से भेजते हैं दैट सम वंडरफुल प्रोसेस विल टेक प्लेस, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग अ डल फेलो इनटू अ जीनियस। यानी कि जो वो जो है, इतने जो उनके बच्चे जो हैं, इतने जो उसमें एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो नॉलेज है, वो विदेश जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसमें, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, जीनियस बन जाएगा, इस उम्मीद से भेजते हैं, ऐसा उसका विश्वास होता है। ठीक है, आगे कह रहे क्या, येट द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफन फेल टू मेक गुड। देखो लेकिन क्या है रियलिटी में, क्या है अब देखो, लेकिन अभी तक क्या है ये चीज, जो जो बहुत महंगे स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, लेकिन ऐसे करने में क्या है वो, मतलब अक्सर फेल कर जाते हैं, फेल करना मतलब असफल रहते हैं ज्यादातर, ऐसा ये कहने का मतलब ये यहाँ पर है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, द पुअर मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी ऑफन अर्न्स द हाईएस्ट ऑनर। एक तो है जो ऊपर बात किया जा रहा है, जो पढ़ने कहाँ भेजते हैं तो विदेश भेज देते हैं, ठीक है, इस उम्मीद से कि उनका बच्चा क्या इंजीनियर बन जाएगा, बहुत तेज बन जाएगा, ठीक है, अपने लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, ऐसा भेजते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसकी बात किया जा रहा है, जो बहुत गरीब है, जो बहुत सारे एडवर्सिटी है ना, अपने बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद ही स्ट्रगल करते हैं और क्या करते हैं, वो अपने जिंदगी में बहुत मान सम्मान पाते हैं। ठीक है, द फैक्ट इज दैट द ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज एट द होम, इज द होम। देखो लेकिन सच्चाई क्या है, द फैक्ट इज दैट, फैक्ट ये है कि ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन, यानी कि जो हमारा अर्ली एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा का जो आधारभूत इकाई है, ठीक है, आधारभूत जो शुरू का ये बात है, ट्रू बैकग्राउंड जो है, ठीक है, पृष्ठभूमि जो है, क्या है, घर है हमारा, ठीक है, हमारी शिक्षा स्टार्ट कब होता है, ठीक है, जो सबसे पहला शिक्षा होता है हमारा घर से ही मिलता है मुझे, द होम, द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर, द इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स दैट आर हेल्ड बिफोर द चाइल्ड एट एन एज व्हाइल ही इज इम्प्रेशनेबल आर ट्रू, आर द ट्रू ग्राउंड वर्क ऑफ कैरेक्टर। देख लो यहाँ पर, फिर से यहाँ पर देख लो, देखो ये तो समझ गए, यहाँ पर जो उसका अर्ली एजुकेशन कहाँ मिलता है, सबसे पहले तो घर में मिलता है, ये घर, द होम, द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर, मम्मी का क्या है, मम्मी का प्रभाव जो होता है, मम्मी का जो बातें होते हैं, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इंस्पायरिंग एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मतलब जो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग कुछ किए हैं जिंदगी में, वो इसके बारे में कह रहा है, एग्जाम्पल्स दैट आर हेल्ड बिफोर द चाइल्ड एट एन एज, इसका मतलब ये रहा जब बच्चे बढ़ने लगते हैं, जो एक सीखने का उम्र होता है ना, उसे पहले ही घर में ही ये शिक्षा उसको मिल जाता है, व्हाइल ही इज इम्प्रेशनेबल, ठीक है, बच्चे में क्या होता है, बच्चे में एक वो चीज होता है, एक क्या होता है बच्चे में, एक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सभी बच्चे होते हैं, ठीक है, आर द ट्रू बैकग्राउंड ऑफ कैरेक्टर, आर द ट्रू ग्राउंड वर्क ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, जो हमारे चरित्र निर्माण का जो ये है, ये ट्रू ग्राउंड वर्क, इसको हिंदी में ये बोल सकते हैं कि आधारभूत इकाई, ठीक है, आधारभूत इकाई जो हमारे कैरेक्टर का जो निर्माण करता है, ठीक है, कहाँ से मिलता है, तो घर से मिलता है, मम्मी से मिलता है, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स से मिलता है हम लोगों को, ठीक है, तो ये था पैसेज आज का ये, ठीक है, इसमें वर्ड भी आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पैसेज छोटा था, ठीक है, तो इस पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं पहले क्वेश्चन पर, आते हैं देख लो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग, हाँ बताएं, पीछे करना सर, स्क्रीनशॉट लेना सर, हाँ ले लो, ठीक है, हो गया चलो okay. आगे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के पहला कह रहा है क्या, अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज Who help in our character building? Passage के according, जो हमारे character जो build character जो चाहिए का निर्माण जो होता है, क्या help करता है, कौन help करता है? पहला है a foreign university, a well-to-do man, examples that inspire, a man who has earned honor. क्या दोगे बताओ? Example that inspire. हाँ ये passage में पूरा ये clear था यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं last में. ठीक है ये था ना एग्जांपल्स क्या है इन्फ्लुएंस ऑफ मदर ठीक है एग्जांपल्स इंस्पायरिंग एग्जांपल्स ठीक है बहुत अच्छा
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरा, आ जाओ दी प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज, जब हम लोगों को प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आधारभूत इकाई क्या है, एट ए स्कूल, ए कॉलेज, ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, द होम, बताओ द होम क्या था। ये भी पूरा क्लियर, हाँ वेरी गुड, ठीक है, जो तीनों दिया था ना यहाँ पर, द होम था, द इन्फ्लुएंस मदर था, इंस्पायरिंग जंबस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो तीसरे बार जाओ, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इम्प्रेशन दैट हाईएस्ट ऑनर इज अर्न बाय, हाईएस्ट ऑनर क्या है, बात कर रहा है, वी गेट एन इम्प्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर इज अर्न बाय, कैसे कैसे अर्न करते हैं हाईएस्ट ऑनर, अधिक मान सम्मान कैसे अर्न करते हैं, इसको ऑप्शन पे आते हैं, ए मैन हु इज हु हैज रिसीव्ड एजुकेशन इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, ऐसा लोग जो कि अपना एजुकेशन कहाँ प्राप्त किए हैं, तो फॉरेन कंट्री में। दूसरा है ए मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, यही है सर आंसर, ए मैन हु हैज स्ट्रगल अगेंस्ट एडवर्सिटी। ओके, तीसरा देख लेते हैं एक बार, ए मैन हु हैज बीन प्रॉस्पेरिटी अलोन। चौथा है द सन ऑफ ए प्रॉस्पेरस मैन। देखो ये पैसेज पूरा पूरा क्लियर ही था यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, ठीक है, ए मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, जो इतने दिक्कत के साथ जो पोर थे यहाँ पर, दिक्कत के साथ हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तब उसको काम में क्या मिलता है, तो मान सम्मान उसको ऑनर मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा। और चौथा के लिए है यहाँ पर, ए वेल टू डू मैन स्पेंड्स हिज सन टू फॉरेन लैंड, क्यों यहाँ पर है, क्यों आगे देख लो यहाँ पर, क्यों खर्चा करते हैं यहाँ पर, क्यों भेजते हैं विदेश भेजते हैं, बिकॉज इट इज द फैशन ऑफ द डे, ठीक है, इसका मतलब पैसे, इसका लाइन का मतलब तो समझ रहे हो सभी ना, ठीक है, इन द बिलीफ दैट हिज डल सन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ जीनियस, यही सर, इन द ब्रीफ टू दैट डेवलपमेंट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा क्लियर ये है, पैसेज बहुत ही आसान पैसेज है ये, ठीक है, बहुत अच्छा है, कर करते हो आप, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इतना कंफर्म अगर है हम लोगों ने, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो आंसर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पांचवी पर आ जाओ, द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट, द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफन फेल टू मेक गुड, मीन्स इसका मतलब क्या कह रहा है, जो एक्सपेंसिव स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, अक्सर क्या होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाने में क्या करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस में क्या कह रही है, दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ, दूसरा है दे फेल टू बिकम इंटेलिजेंट, दे फेल टू अर्न प्रॉपर लिविंग, They do not earn good reputation. देखो इसका मैं सभी का मतलब बता देता हूँ, क्योंकि इस मतलब जाना भी जरूरी है अभी है। They fail to make a mark in life. अपने लाइफ में क्या है, एक अच्छा मार्क मतलब क्या है यहाँ पर है, जो अच्छा लाइफ में कुछ करने के लिए, ठीक है, जो कुछ जिंदगी में बड़ा बनने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, ये है, इसमें वो फेल हो जाते हैं। दूसरा है दे फेल टू बिकम इंटेलिजेंट, वो तेज बनान में क्या हो जाते हैं, बच्चे को फेल कर जाते हैं, इंटेलिजेंट बनाने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तेज बनाने में। दे फेल टू अर्न प्रॉपर लिविंग, यानी कि ये वो क्या करता है, उसका जो जीवन होता है ना, प्रॉपर लिविंग में अर्न करने में, उसको रहने में क्या होता है, उसको फेल कर जाते हैं, ये नहीं सिखा पाते हैं। हाँ, दे डू नॉट अर्न गुड रेप्यूटेशन, वो अच्छा मान सम्मान प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या देने वाले आप हो, ये सर, दे डू नॉट अर्न गुड रेप्यूटेशन। और कोई बताओ एक बार मुझे, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना अपना चीज़ नहीं दो इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या दोगे सर, उसमें ऐसा था ना, जो पूर फैमिली के थे वो, उनका जो रेपुटेशन था वो बनता था, लेकिन हाँ ये तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन एक बात यहाँ ये करना, गौर भी करना है यहाँ पर, जो इस पैसेज का पूरा मीनिंग नहीं पूछ रहा था यहाँ पर, इस सेंटेंस का मीनिंग पूछ रहा था, ये सेंटेंस कब हुआ था, जब इसका ना फॉरेन लैंड पे भेजते थे, जो वेल टू डू मैन भेजते थे, उसके बाद ये यूज किया गया था। चलो इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग,
हाँ, दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ, ठीक है, मेरी अकॉर्डिंग ये है। इसे बताओ आप है एग्री हो आप लोग या नहीं हो। देखो अगर कैसे हो, इनका पूरा पैसेज का मतलब क्या है, जो अपने लाइफ में ना मतलब एक अलग करके दिखाना, इस उम्मीद से देखो उनका बिलीफ ये होता है कि बहुत जीनियस बन जाएंगे, बहुत ही नाम कमाएंगे, बहुत मतलब अपने लाइफ में बहुत वो रेपुटेशन पाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, आपका आंसर क्या कर दोगे, आपका ए कर दोगे आप, ठीक है। वैसे ये आपको आप जो इसे बताया हो ना उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है, ठीक है, जो बोर मैन जो थे ना उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है, ठीक है। लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर ये होगा, ठीक। तो 5 क्वेश्चन था आज के लिए। आज वैसे क्लास थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हो गया था, करीब 15 मिनट, इसलिए क्योंकि रिजल्ट अभी आ गया है, कुछ देर पहले रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का भी हो गया, बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा था, अभी मैं क्लास खत्म करके बच्चों से बात ही करूंगा अभी, ठीक है। तो मैं कल तक आपके लिए भी लाऊंगा कि इसमें कटा कितना गया है। सारे हो गए सर पास को? हाँ, क्या क्या बता भी, नहीं अभी मुझे 2 बच्चे से बात हुई है, ठीक है, अभी 2 बच्चे से मुझे बात हुई है अभी, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्लास स्टार्ट कराया था ना, एक बच्चे का अभी कॉल आ गया था, ठीक है, तो 2 बच्चे का भी मेरे पास कॉल आया है, सर मेरा मेरा हो गया सर, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वैसे तो मुझे याद है जो कितना कितना बनाए थे, लगता है तभी मैं उनसे पूछता हूँ कितना बनाए थे, कितना सही था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं और बच्चों का भी आया हुआ है, व्हाट्सएप आया हुआ है, मैं उसे कॉल बैक करता हूँ अभी और पूछता हूँ। तो कल मैं इनके लिए हो सकता है वीडियो बना दूँ या फिर मैं क्लास में बात कर लूंगा थोड़ा सा क्लास के बाद, ठीक है। तो आज सर आज तो 9:30 बजे क्लास होने वाला था ना सर, आज मॉर्निंग में नहीं सर इवनिंग में सर, नहीं 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 आज वैसे क्लास 9:30 PM 9:30 PM PM डाला हुआ था इसमें। हाँ सर अभी सुबह का सर, वो नहीं वो सुबह मैंने हटाया नहीं था, मैंने अभी हटाया है वो चीज, मैंने अभी हटा दिया होगा सर, मुझे मेरा क्लास ई वाला क्लास सर मिस हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी कर दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद ना वीडियो अभी मुझे कन्वर्ट हो जाएगा ना तो सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, तो चलिए मन से तैयारी कीजिए। वैसे देखिए तैयारी करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, ठीक है, जो बहुत मेहनत किए हैं बच्चे, ठीक है, बहुत काफी दिन से नूर से जुड़े हुए थे, ठीक है, बच्चे खुद से मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है मैं उनसे उनसे कुछ मोटिवेट करवाऊं आप लोगों को, हो सकता है, ठीक है सर। हाँ हाँ कट ऑफ के बारे में बता दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना है ना पूरा सेटिंग बताऊंगा आपको, ठीक है, एग्जैक्ट अगर हो सकता है ना तो उन्हें मैं लाइव लाऊंगा, ठीक है, फिर हम लोग साथ साथ बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जो भी पूछना रहे आप लोगों को तो आप भी बात कर लीजिएगा उनसे आप, ठीक है सर। सीट कितना था ये भी बताइएगा थोड़ा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।